हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। इफ़ यू द चैनल ऑफ लाइक, यू पुट ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज स्टार्टेड ऑफ मेटल्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव। सो फर्स्ट क्वेश्चन, देर आर 31 क्वेश्चन। आई कंप्लीटेड ऑफ द ऑल क्वेश्चन प्रीवियस टाइम्स, यू लुक और वॉच। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 31, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है दोस्तों? तो डोलामाइट से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्नालाइट या डोलामाइट, कार्नालाइट से। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस में किया जाता है? कार्नालाइट से। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? कार्नालाइट से। ओके, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? कार्नालाइट से। कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? तो कौन सी धातु है, धातु है वो, लेकिन नाइट्रोजन से जल जाती है, तो मैग्नीशियम होगा। ओके, मैग्नीशियम जो है आपका नाइट्रोजन से जल जाती है। अभी मैग्नीशियम, ये इसका एटॉमिक नंबर 12 है दोस्तों, होता है दोस्तों, ठीक है, इसे Mg से इंडिकेट करते हैं। और ये नाइट्रोजन से जल जाती है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है दोस्तों, 11 सोडियम का होता है, पानी में डालेंगे तो ये तैरते हुए जलने लगती है। ओके, और विद्युत बल्ब में आप पीले रंग का देखते होंगे, तो सोडियम बल्ब का ही, सोडियम का ही यूज किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व कौन होता है? तो प्रति अम्ल यानी समझिए उसका डुप्लीकेट एसिड, ठीक है, तो कौन होता है? MgOH का Hall2 होता है। ओके, MgOH का Hall2, जिसे कहते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे हैं प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है? MgOH का Hall2 होता है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है दोस्तों। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बताइएगा आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ओके, पोटासियम आयोडाइड का कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? थायराइड ग्रंथि में इलाज के लिए, या उसके जो डिजिट होता है उसे ठीक करने के लिए पोटासियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। इप्सम सॉल्ट क्या होता है? इप्सम सॉल्ट कहते हैं MgSO4 × 7H2O कहते हैं। ओके, इप्सम सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है? MgSO4 7H2O होता है। इप्सम सॉल्ट कहते इसे, ठीक है, इप्सम सॉल्ट कहते हैं MgSO4 7H2O को कहते हैं दोस्तों। इप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं? MgSO4 7H2O, इप्सम सॉल्ट। पूछेगा इप्सम सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, तो MgSO4 बोलिएगा 7H2O इंटू में। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र कौन होता है? MgSO4 7H2O होता है, ठीक है, इप्सम सॉल्ट का। और ग्लोवर सॉल्ट किसे कहते हैं दोस्तों? ग्लोवर सॉल्ट MgSO4, इप्सम सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है? MgSO4 7H2O होता है। और ग्लोवर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है? Na2SO4 10H2O। यहाँ पर याद रखिएगा 10H2 होता है दोस्तों, ठीक है। ग्लोवर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है? Na2SO4 10H2O होता है। ग्लोवर सॉल्ट का फार्मूला Na2SO4 10H2O, ये ग्लोवर सॉल्ट का फार्मूला है। ओके, MgSO4 जो है आपका × 7H2O, ये इप्सम सॉल्ट का हो गया, जबकि ग्लोवर सॉल्ट का फार्मूला Na2SO4 10H2O Na2SO4 10H2O होगा। अब Na2H2O3 क्या नाम है इसका दोस्तों, फार्मूला बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सोडियम कार्बोनेट, ये धोबन सोडा कहलाता है दोस्तों, ठीक है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक कौन होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड होता है। ओके, 7H2O, जिसे प्रति क्षारक, प्रति अम्ल के रूप में यानी एसिड का डुप्लीकेट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोऑक्साइड होगा।
ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल किसके रूप में, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है दोस्तों, प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए जब कट जाता है ना, तो रक्त स्राव को रोकना है तो किस एल्युमिनियम लवण का, कौन से एल्युमिनियम लवण का, तो पोटास एलम का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, पोटास एलम का प्रयोग करते हैं रक्त स्राव को रोकने के लिए दोस्तों। किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग करते हैं, सॉल्ट है, एल्युमिनियम सॉल्ट है दोस्तों, ठीक है, तो पोटास एलम होगा। ओके, किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है दोस्तों, तो किसके उपयोग में किया जाता है, तो किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट के प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट का। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाना हो, अग्निरोधक, ठीक है, अग्निरोधक कपड़ा बनाना हो तो किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, मैं क्या करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं अग्निरोधक कपड़ा बनाने में। पूछेगा अग्निरोधक कपड़ा में, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। बॉक्साइड आयन किसका है, एल्युमिनियम का है दोस्तों, ठीक है, बॉक्साइड। सोने का आयन का एक नाम बताइएगा आप दोस्तों, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा, तो विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निकाला किया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा। सब्लिमेशन किसे कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण। किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य होने के बावजूद वह महंगा होता है, इसे भी, तो क्वेश्चन इसमें पूछा सिर्फ किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक है, तो अल्मोनियम है, सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन होगा दोस्तों, ठीक है, तो किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है, तो अल्मोनियम का होगा। ओके, MgSO4 प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, MgSO4 का हॉल 2 7H2O। ओके, Na2SH2O3 किसका फार्मूला है दोस्तों, ज़रा बताइएगा। यद्यपि भूपटल पर अल्मोनियम की मात्र लोहे से अधिक है, फिर भी अल्मोनियम लोहे से महंगा क्यों है, देखिए, क्योंकि इसके उत्पादन की जो धात्विक विधियां हैं, यानी जो प्रोसेस होती है मेटल प्राप्त करने का, वो अधिक खर्चीली होती है, ठीक है, अधिक खर्चीली होती है, क्या होती है, अधिक खर्चीली होती है, इसके उत्पादन की धात्विक विधियाँ जो होती है लोहे से अधिक होती है, लोहे से अधिक होती है धात्विक खर्च। ओके, भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से भी अधिक होती है, ठीक है, लोहे से अधिक है, लेकिन फिर भी अब महंगा क्यों है, क्योंकि इसके उत्पादन का जो प्रोसेस है लोहे से अधिक होता है दोस्तों। एल्युमिनियम किसमें घुले, शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो क्रायोलाइट में, किसमें, क्रायोलाइट में, क्रायोलाइट में। कि एल्युमिनियम किसमें घोले, शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो क्रायोलाइट द्वारा। एल्युमिनियम किसमें घुला, शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन, शुद्ध एल्युमिनियम के ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो क्रायोलाइट का। ओके, ऑक्साइड से एक एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। ओके, पोटास एलम द्वारा रक्त स्राव को रोकने के लिए प्रयोग में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, रक्त स्राव जब होता है तो किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग करते हैं, तो पोटास एलम का। एल्युमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए, यह प्रकृति में एम्फोट्रिक के रूप में होता है, किस रूप में होता है दोस्तों, एम्फोट्रिक के रूप में, किसके रूप में होता है, एम्फोट्रिक के रूप में, एल्युमिनियम, ठीक है। पहला क्या होता है, एल्युमिनियम के संबंध में यह कथन कौन सा गलत होगा, तो पहला याद रखेगी, यह प्रकृति में एम्फोट्रिक के रूप में, किसमें, प्रकृति से एम्फोट्रिक के रूप में होता है।
यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, नाइट्रिक अम्ल अल्मोनियम पर कोई, यानी ये गलत हो गया, नाइट्रिक अल्मोनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सही बात है, नाइट्रिक एसिड जो होता है अल्मोनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। नाइट्रिक एसिड याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ओके शांत गर्म सांद्र काम्ल एल्युमिनियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है? गर्म सांद्र काम्ल एल्युमिनियम के साथ सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ओके, अगर एल्युमिनियम प्लस H2SO4 रिएक्ट करेगा तो Al2SO4 का होल 3 आप प्लस क्या निकालेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा दोस्तों। ओके, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? अपने ऑक्साइड से रक्षित माने सुरक्षित होता है अल्मोनियम, ठीक है, बाकी नहीं होता है। चांदी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? Ag, ठीक है, और Ar किसका फार्मूला होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम का। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम का। ओके, जितना भी अब वायुयान रॉकेट बनाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, जितना भी ये होता है ना दोस्तों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वह पूरे डिक्के होकर के क्या बनता है, शीशा बन जाता है। ओके, निकेल मिला जाता है लोहे के साथ तब क्या बनता है, इस्पात बनेगा। तांबा डाला जाता है सोने में, ओके, तब वो हार्डनेस के लिए डाला जाता है। ओके, सामान्य फिटकरी का फार्मूला का नाम क्या है? K2SO4 × Al2SO4, ठीक है, Al2SO4 का होल 3 और 24H2O होगा, ये होगा फिटकरी का फार्मूला। K2SO4 फिर Al2SO4 का होल 3 Al2 का, देखिए Al2SO4 का होल 3 × 24H2O, याद रखें 24 होगा, 21 नहीं बल्कि 24H2O होगा। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, ये फिटकरी का फार्मूला है, ठीक है, फिटकरी का फार्मूला है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? हाइड्रेटेड एल्युमिना नाम है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्युमिना, ठीक है, हाइड्रेटेड एल्युमिना होता है। और एल्युमिनियम सल्फेट का कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों? वो कपड़ा बनाने में, अग्नि से सुरक्षित करने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट का कपड़ा बनाया जाता है। ओके, पोटास एवं पानी के शोधन में उपयोगी होता है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अपक्षेपी करता है। सही बात है, यह कोलाइडी विलयन को क्या करता है, अपक्षेपित कर देता है। अपक्षेपित क्या करता है? पोटास एवं जो होता है पानी के शोधन में उपयोगी होता है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन जो होता है उसको अपक्षेपित करता है। क्या करता है? अपक्षेपित कर देता है। कोलाइडी विलयन को क्या करता है? अपक्षेपित कर देता है। कौन? पोटास एवं, ठीक है, कौन करता है? पोटास एवं करता है। पानी के शोधन में उपयोग किया जाता है। ओके, असूक्ष्म जीवों को तो क्लोरीन वगैरह मारता है दोस्तों। एल्युमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है? एल्युमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं? क्योंकि यह एल्युमिना के गलनांक को घटाता है, एल्युमिना के गलनांक को घटा देता है। गलनांक जो होता है मेल्टिंग को घटाता है। ओके, विद्युत एल्युमिना के विद्युत अपघटन में किसको मिलाते हैं? क्रायोलाइट को। एल्युमिना के पहले पूछेगा विद्युत अपघटन में किसको मिलाते हैं? क्रायोलाइट को। एल्युमिना के विद्युत अपघटन में किसको मिलाते हैं? क्रायोलाइट को। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि एल्युमिना का जो मेल्टिंग होता है ना उसे घटा देता है। क्या करता है? घटा देता है। किसको? मेल्टिंग को। मेल्टिंग किसका? गलन एल्युमिनियम का, ठीक है दोस्तों। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट है जो मानव हड्डियों में पाया जाता है दोस्तों।
ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट जो होता है मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट जो होता है आपको कहाँ यूज किया जाता है, मानव हड्डियों को जोड़ने में, जो आप देखते हैं वाइट कलर का लेयर चढ़ा देता है जब किसी का हाथ फ्रैक्चर क्रैकिंग करता है तो दोस्तों। ओके, तो कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं कहाँ, तो मानव लवण एक मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में होता है दोस्तों। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में किसको मिलाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम फ्लोराइड को मिलाया जाता है। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में किसे मिलाया जाता है, कैल्शियम फ्लोराइड को मिलाया जाता है, कैल्शियम फ्लोराइड को मिलाया जाता है। जब कैल्शियम धातु प्राप्त करना है ना तो कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि यह द्रवणांक को घटाता है, यह क्या करता है द्रवणांक को घटा देता है दोस्तों, ठीक है, द्रवणांक को घटा देता है। कैल्शियम धातु निकालना है तो कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि यह द्रवणांक को घटा देता है, कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है कैल्शियम धातु प्राप्त करने के लिए, यह द्रवणांक को घटाता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 2CSO4H2O होता है, 2CSO4। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2 आगे में रहेगा, जिप्सन में 2 इधर आ जाएगा बीच में, ठीक है, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 2CSO4H2O होता है, पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन होगा, 2CSO4H2O। ये कहाँ यूज किया जाता है देखते होंगे, मूर्ति बनाने में यूज करता है सब दोस्तों, डॉक्टर वगैरह भी इसे शल्यक्रिया में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 2CSO4H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ओके, और जिप्सन का सूत्र CSO4 2H2O हो जाएगा, ये जिप्सन का फार्मूला है। ओके, कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो CSO4 2H2O बताए थे, जिप्सम का सूत्र कौन होगा, CSO4 2H2O होगा। ओके, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, CaO को। CSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जो सीमेंट का एक घटक है, सीमेंट का क्या है, एक घटक होता है दोस्तों, ठीक है, ये सीमेंट का एक घटक होता है, और यही टू आप जब इधर ले आइएगा तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, 2CSO4H2O हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ यूज होता है, जरा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, संगमरमर क्या है, एक कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट है, संगमरमर क्या है, एक कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, ये कैल्शियम सल्फेट ना हुआ दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट का कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, हाँ तो जब फ्रैक्चर वगैरह कूट जाता है तो अब वाइट पट्टी देखते होंगे तो वो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, CaOCl2 होता है, CaOCl2, विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। जब कैल्शियम ऑक्साइड से क्लोरीन गैस में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है दोस्तों। डोलामाइट का रासायनिक सूत्र कौन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। डोलामाइट को रासायनिक सूत्र कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। डोलामाइट का रासायनिक सूत्र कौन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। डोलामाइट का रासायनिक सूत्र कौन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी इन दोनों का जोड़ होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का डोलामाइट कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा।
बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे चूने का कहते कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को जब क्लोरीन गैस से प्रभावित किया जाता है तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। दोस्तों शल्य क्रिया में पटियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पटियों के रूप में प्रयोग किया जाता है ये कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। और कैल्शियम फास्फेट हम लोग के बोन में पाया जाता है। दोस्तों क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट हम लोग के शरीर में पाया जाता है। और कैल्शियम फास्फेट शल्य क्रिया में पटियों के रूप में किया जाता है। पटियों के रूप में किया जाता है। ओके आप पोटास एलम कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो रक्त शराब वगैरह होता है ना तब वहाँ पोटास एलम का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड होता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड होता है CSO4H2O होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। ठीक है 2CSO4H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं दोस्तों? ये एग्जाम में आता है दोस्तों। ओटेन बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला आते रहता है। ओके कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है दोस्तों? तो जिप्सम से बनता है। यस प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है देखिए CaSO4 2H2O ये जिप्सम का फार्मूला हुआ। यही टू इधर आ जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आ जाएगा। तो जिप्सम का फार्मूला कौन हो जाएगा? CaSO4 2H2O हो जाएगा। ये एग्जाम में आया है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी फार्मूला पूछ लेता है कभी इस जिप्सम का। CaO चूना पत्थर कहते हैं दोस्तों। बॉक्साइड अल्मोनियम क्राफ्ट किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका संगमरमर है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला इधर हो गया दोस्तों CaOCl2। अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होगा। ठीक है सोडियम बाइकार्बोनेट आपको खाने वाला सोडा के रूप में कहते हैं या बेकिंग पाउडर भी कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों। चित्रकार शिल्पकार डॉक्टर आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। डॉक्टर चित्रकार शिल्पकार आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो कैल्शियम सल्फेट होते हैं उसका लोकप्रिय नाम क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनता है जिप्सम से बनता है। ओके 2CaSO4H2O ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ओके एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम मैग्नीशियम से। एस्बेस्टस किससे बनती है दोस्तों? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से, याद रखिएगा दोस्तों। और डोलामाइट किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है। ठीक है डोलामाइट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है। और एस्बेस्टस किससे बनती है? कि तो कैल्शियम मैग्नीशियम से। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? ये बूझे हुए चूने से क्लोरीन जब पास करेंगे ना तब। ठीक है बूझे हुए चूने से क्लोरीन जब पास करेंगे तब। बूझे हुए नहीं बल्कि बूझे चूने से। बूझे चूने से क्लोरीन गैस पास करेंगे। बूझे हुए नहीं बल्कि बूझे चूने से पास करना होगा। बूझे चूने से पास करना होगा क्लोरीन गैस को। ओके व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलयी है नहीं, यानी यही गलत हो गया। कम विलयी होता है दोस्तों जल में। यह हल्के पीले रंग का होता है व्यंजक चूर्ण। यस होता है CaO Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी नाम है इसका।
ये ऑक्सीकारक है यानी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है दोस्तों, ठीक है। ये ऑक्सीकारक होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है आपका? ऑक्सीकारक है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। ओके, ऑक्सीकारक होता है विरंजक चूर्ण। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस को निष्कासित कर देता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण को जब HCH2SO4 से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है दोस्तों? क्लोरीन गैस को मुक्त कर देता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट बना देता है CaSO4 और H2O। तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो ब्लीचिंग पाउडर। हेंज क्लेवर जो विधि है, हेंज क्लेवर कौन सा विधि दोस्तों? ये आता है एग्जाम में प्रोसेस दोस्तों, कौन सा प्रोसेस? हेंज क्लेवर विधि ब्लीचिंग पाउडर में प्रयोग किया जाता है। ओके, और ब्लीचिंग पाउडर जब इससे रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या चीज़ रिएक्ट देगा? तो कैल्शियम सल्फेट हो जाता है। ओके, बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक। और अल्मोनियम पर नाइट्रिक एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है। हाँ, सही बात है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से यह प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त कर देती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस को मुक्त कर देती है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ने से इसकी सक्रियता घट जाती है। ये हेंज क्लेवर विधि द्वारा ब्लीचिंग पाउडर पाया जाता है। कौन से विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? हेंज क्लेवर विधि द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त कर देती है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसमें? हरी सब्जियों में। ओके, हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन दूध में, अंडे दूध से प्रोटीन पाया जा सकता है। कौन सा एक लोहे का एक अयस्क है दोस्तों? तो हेमाटाइट आपका लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क कौन होगा? एलॉय कौन है? हेमाटाइट होगा, ठीक है। लोहे का आयरन का एलॉय कौन होगा? हेमाटाइट होगा दोस्तों। बॉक्साइट अल्मोनियम का होगा। ओके, शिनेबर किसका अयस्क होता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहे का प्राप्त किया जाता है? तो निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो हेमाटाइट से प्राप्त करते हैं। और लोहा ही एलॉय है, अयस्क है हेमाटाइट का, ठीक है। भले हेमाटाइट का अयस्क है लोहा का। ओके, लोहे का अयस्क है कौन? हेमाटाइट है। ओके, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है दोस्तों? जरा कमेंट बॉक्स में बताएगा। हीमोग्लोबिन उपस्थित कौन सा होता है? लोहा होता है। हीमोग्लोबिन कौन सा उपस्थित होता है? लोहा होता है दोस्तों। और कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। बाकी लोहा ये सब जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, लेकिन कॉपर नहीं करता है। निकेल इस्पात बनाने में काम आता है दोस्तों। ओके, कोबाल्ट का कैंसर में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोबाल्ट 60 का। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से होती है। टेप रिकॉर्डर टेप जो होती है किससे लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से होती है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होती है। टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होती है किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर किससे टेप लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से होती है। ओके, नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताएगा। पारा। ओके, पारा भरा होता मरकरी और ऑर्गन गैस भरा होता ट्यूब में दोस्तों, ठीक है, ट्यूबलाइट में। कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? कौन सी ऐसी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है? तो लोहा ही एक ऐसा एलिमेंट है जो अमलगम नहीं बनाती है, ठीक है। लोहा ही एक ऐसा हेमाटाइट इसका अयस्क है दोस्तों।
ये खाने पीना हरी सब्जी में पाया जाता है। सिड्रोसिस नामक बीमारी लोहे की अधिकता से होता है, लोहे की अधिकता से सिड्रोसिस नामक बीमारी होती है। ओके, पोटास एलम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? वहाँ दोस्तों, जब ये किसी का खून शराब होता है ना, वहाँ पर एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो लोहा की कमी के कारण होता है। लोहे की अधिकता हो जाएगा तो सिड्रोसिस होगा, लोहे की कमी हो जाएगा तो एनीमिया रोग होता है। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है? डोलामाइट बनता है। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या कहते हैं एक साथ जो पाया जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ उसका। किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी होती है अधिक होने के कारण? तो लोहा अधिक हो जाएगा, लोहे का मात्रा अगर अधिक हो जाएगा तो सिड्रोसिस नामक बीमारी होगी। कौन सी होगी बीमारी? सिड्रोसिस नामक बीमारी होगी अगर लोहा अधिक हो गया शरीर में तो। ठीक है, पृथ्वी गर्भगृह में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन हो? पहला नंबर पर अल्मोनियम हो गया, दूसरा नंबर पर लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो लोहा हो जाएगा। पृथ्वी गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन होगी? लोहा होगी। ओके, लोहे का एक्स कौन होता है? हेमाटाइट होता है दोस्तों। खाने पीने में भी आपका लोहे का अधिक हो जाएगा तो सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाएगी, कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। ओके, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन सा होता है? तो फेरिक होता है और फेरस ऑक्साइड होता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ का नाम क्या है? फेरिक या और फेरस ऑक्साइड। फेरिक व फेरस ऑक्साइड होता है, फेरिक व फेरस ऑक्साइड होता है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है? फेरिक और फेरस ऑक्साइड होता है। ओके, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में डैश दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी हो सकती है? ऑक्सीजन और नमी दोनों रहेगा तभी लोहे में जंग लगेगा। ठीक है, फेरिक और फेरस प्राप्त होगा, जिससे कि फेरिक और फेरस प्राप्त होता है। ओके, लोहे धातु के जंग लगने के लिए वायु में क्या होनी चाहिए? नमी और ऑक्सीजन दोनों चाहिए, ऑक्सीजन और नमी दोनों चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन जब वायु में जलता है तो जल बनाता है, याद रखिएगा दोस्तों। जल भले ऑक्सीजन और नमी चाहिए लोहे धातु के जंग लगने के लिए। जंग यानी रस्ट का रासायनिक संगठन कौन होता है? Fe2O3H2O होता है। ओके, जंग यानी रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3H2O होता है। जंग यानी रस्ट का रासायनिक सूत्र होता है फेरिक आयन फेरस ऑक्साइड होता है जंग का। ठीक है, रासायनिक सूत्र Li इसका कौन सा होता है? हेमाटाइट होता है। ओके, जंग लगने पर लोहे का भार कितना होता है? बढ़ता है। लोहे का वेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और नमी को सोख लेता है ना, इसलिए इसका वजन बढ़ जाता है दोस्तों। इसलिए लोहे का भार बढ़ता है जंग लगने पर क्या होता है? लोहे का भार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नमी और ऑक्सीजन सोख लेता है। लोहे के सतह पर किए जाने वाला पेंट लोहे को जंग से बचाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकेगा, संपर्क में आने से रोक देता है। तो लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे के जंग से बचाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन है? क्रोमियम का। जंग रहित लोहा बनाना है, क्या बनाना है? जंग रहित यानी जिसमें जंग नहीं लगता हो वो लोहा बनाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? याद रखिए, क्रोमियम का। ओके, पोटास एलम का प्रयोग करते हैं जब रक्त शराब होता है वहाँ। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पीटवा लोहा है। ओके, लोहे का शुद्धतम रूप प्योर रूप क्या हो तो कौन होता है? पिटवा लोहा होता है। ओके, पिटवा लोहा होता है।
लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? इस्पात बदलने के लिए निकेल बनाएंगे, ठीक है। निकेल लोहे के इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाएंगे और लोहे को हार्डनेस बनाने के क्रोमियम मिलाएंगे। ओके, लोहे को जंग रोहित बनाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं, लोहे को जंग रहित बनाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं और लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाएंगे। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाएंगे? निकेल मिलाएंगे। ओके, कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। मैग्नीज, लोहे को हार्डनेस बनाने के लिए मैग्नीज मिलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। लोहे को इस्पात में बदलना है तो निकेल मिलाना होगा। लोहे को इस्पात बनाना है तो निकेल को, हार्डनेस बनाना है तो मैग्नीज को, ठीक है। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो क्रोमियम ली जाती है, ठीक है, क्रोमियम बनाई जाती है। ओके, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील को लोहे के साथ कौन सा और मिलाएंगे? क्रोमियम मिलाएंगे, ठीक है, क्रोमियम मिलाते हैं। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कार्बन में होता है, ये सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में होता है दोस्तों, कार्बन। ओके, टीन किस में होता है दोस्तों? एल्युमिनियम पोटास एलम का जब वहाँ प्रयोग करते हैं, खून जब बहता है ना तो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, पोटास एलम बनाते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या? मैग्नीज, मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है कठोरता बढ़ाने के लिए, मैग्नीज मिलाते हैं, ठीक है। क्रोमियम इस्पात बनाने के लिए निकेल मिलाते हैं, ठीक है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं, जंग रहित मिलाने बनाना लोहा है तो क्रोमियम मिलाएंगे, और हार्ड कठोरता बनाना है तो मैग्नीज मिलाना होगा, स्टील को और मजबूत कठोर बनाना होगा तो मैग्नीज बनाना है, ठीक है। स्टील बनेगा कैसे? लोहा और निकेल से मिला करके स्टील बनता है, ठीक है, लोहा और निकेल से मिला करके क्या बनता है? स्टील बनेगा, ठीक है। लोहा को जंग रोहित बनाना है तो क्रोमियम मिलाना पड़ेगा, ठीक है, और क्रोमियम मिलाता है जंग रहित बनाना है तब, और हार्डनेस बनाना है तो मैग्नीज मिलाना पड़ेगा, मैग्नीज। सिलिकॉन आपका क्या है दोस्तों? उपधातु है। ओके, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ होगा कौन? इस्पात होगा, ठीक है, इस्पात होगा। अतिशीतित द्रव होता है कांच, कांच जो होता है अतिशीतित द्रव होता है। ओके, कांच के बर्तन में HCl नहीं डाला जाता सांद्र, क्यों? क्योंकि ये सिलिकॉन ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है ना, इसलिए कांच में नहीं डाला जाता HCl। यस, दलेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की। यस, दलेपन में यस दलेपन करना है तो लोहे पर किसकी परत चढ़ाएंगे? तो जस्ता का चलाते हैं किस में? यस दलेपन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस दलेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो जस्ता का, ठीक है। और लोहे का अधिक हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? सिडरोसिस का होता है। निकेल मिलाते हैं कब? इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ। ओके, निकेल मिलाते हैं। यस दलेपन करने के लिए जस्ता मिलाते हैं। हरा कशिश जिसे ग्रीन विट्रियो कहते हैं, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र कौन होता है? Fe SO4 7 H2O होता है। Fe SO4 7 H2O ये आपका क्या? ग्रीन विट्रियोल कहलाता है दोस्तों, ग्रीन विट्रियोल कहलाता है। Fe SO4 7 H2O ध्यान रखिएगा, 7 H2O होगा दोस्तों, ये हरा कशिश कहलाता है, ठीक है। अयस्क को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अयस्क को जंग से बचाएंगे तो ग्रीज लगाना सही होगा, जस्ते की परत चढ़ाना सही होगा यानी यस्तलेपन करेंगे। ओके, पेंट लगाना सही होगा तो अनिलन सही नहीं है। अयस्क को जंग से बचाने के लिए ग्रीज लगाएंगे, जस्ते की परत चढ़ाएंगे, सही बात है, जस्ते की परत चढ़ा देंगे आप पेंट कर सकते हैं तो अयस्क को जंग लगने से बच जाएगा।
मोहर सॉल्ट का फार्मूला कौन होता है? देखिए दोस्तों, K2SO4Al2SO4 का हॉल 3 24H2 किसका होता है? फिटकरी का फार्मूला होता है मोहर सॉल्ट का, यानी ये फार्मूला होगा FeSO4NH4 का हॉल 2SO4 24H2O। तो मोहर सॉल्ट का फार्मूला ये होगा, कौन होगा? ये होगा FeSO4NH4 का हॉल 2SO4 24H2O होगा। ओके, FeSO4NH4 का हॉल 2SO4 24H2O मोहर सॉल्ट का फार्मूला होगा। कौन सा फार्मूला होगा? मोहर सॉल्ट का फार्मूला होगा FeSO4NH4 का हॉल 2SO4 24H2O मोहर सॉल्ट का कहते हैं, ठीक है। जबकि फिटकरी का फार्मूला क्या होगा? K2SO4Al2SO4 का हॉल 3H2 24H2O होगा। ओके, और Na2B4O7, ओके, क्या हो, किसका फार्मूला? बोरेक्स का फार्मूला होता है, बोरेक्स का Na2B4O7 10H2O। ये किसका फार्मूला है? बोरेक्स का फार्मूला है दोस्तों। किसका फार्मूला है? बोरेक्स 7 एस आर है ना, 7 से याद रखे, बोरेक्स का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग से रक्त बहना रुक जाता है? तो किसका, कौन से लगाएंगे दोस्तों? तो फेरिक क्लोराइड लगाएंगे, हाँ फेरिक क्लोराइड लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड। किस पदार्थ को कटे हुए भाग पर लगाने से रक्त बहना रुक जाएगा? फेरिक क्लोराइड। और पोटास एलम भी लगाएंगे ना तो उस पर रक्त, वो भी रक्त को बहना रोक देता है। ओके, सोडियम क्लोराइड आपका सबसे ज़्यादा समुद्र के जल में पाया जाता है। ओके ओके, किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड को। ओके, नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है? हरा थोथा का फार्मूला क्या होता है? FeSO4 7H2O होगा दोस्तों, FeSO4 7H2O होगा। हरा का सी इसका, नीला थोथा का CuSO4 10H2O होगा। हरा थोथा या हरा का सी किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो FeSO4 10H2O फेरस सल्फेट का नाम है। क्या नाम है? फेरस सल्फेट का, हरात होता है। ओके, हरात होता है या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का नाम है? फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का हरा कशिश कहते हैं इसे, ठीक है। रक्त तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। बताए थे कि रक्त तप्त पूरा दम गर्म लोहा है, उस पर जल वाष्प प्रवाहित करेगा तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। ये जल गैस का फार्मूला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो होता है, भाप अंगार गैस कहिए या जल गैस कहिए। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन दो आप जल गैस या भाप अंगार गैस कह सकते हैं। H2O2 एक ऐसा चीज सब्सटेंसेस है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देता है। ओके, रक्त तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता क्या? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। मानव ने सबसे ज़्यादा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। ओके, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? धातु होगा तो तांबा होगा, ठीक है। लोहा, लोहा का एक प्योर लोहा किसे कहते हैं? तो पेटवा लोहा को कहते हैं दोस्तों। चांदी का एक अयस्क का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों। वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? सिल्वर रंग की नहीं होती है तो तांबा नहीं होती है, तांबा और सोना जो होती है सिल्वर रंग की नहीं होती है, ये पीले रंग की ना होती है तांबा सोना, इसीलिए सिल्वर रंग की नहीं होती। बाकी सोडियम और मैग्नीशियम जो होता है ये सिल्वर रंग की होती है। सोडियम और मैग्नीशियम क्या होती है? सिल्वर रंग की होती है। ओके, सिल्वर रंग की होती है लेकिन तांबा सोना पीले रंग की होती है। प्लैटिनम ये आपका सिल्वर कलर का होता है। प्लैटिनम दोनों होता है दोस्तों। पूछेगा प्लैटिनम कौन से कलर का होता है? तो सिल्वर कलर का, ठीक है, पीले कलर का नहीं बल्कि सिल्वर कलर का होगा। तो निकेल और जिंक दोनों ही सिल्वर कलर का होता है। निकेल और जिंक देखते होंगे, ये दोनों ही सिल्वर कलर का होता है। निकेल को लोहा के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? इस्पात बनेगा। इस्पात में हार्डनेस देना है तो क्रोमियम मिलाना होगा, एक मैंगनीज मिलाना होगा, ठीक है। इस्पात को हार्डनेस बनाना है तो
वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह किस चीज़ की होती है? बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है तो तांबा की होती है। तांबा की होती है, किसकी होती है? वायु में थोड़ी देर रखने पर धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक परत चढ़ जाती है, जिसे बेसिक कार्बोनेट होता है की परत जम जाती है। वह धातु कौन सी है? तांबा होती है। ओके, लोहा के साथ निकेल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इस्पात बनेगा दोस्तों। ओके, और लोहे पर जब जस्ता चढ़ाया जाता है तो यश दलेपन कहा जाता है। यश दलेपन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में विद्वान रहती है? अभय घटक के रूप में विद्वान रहती है कौन? पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर में तांबा मौजूद रहती है। क्या रहती है? तांबा मौजूद रहता है। पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर में पक्का तांबा रहेगा, ये अभय घटक कहलाता है। यानी ये तीनों में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसे अभय घटक कहते हैं, तो उसमें कौन होगा? तांबा होता है। जस दलेपन करने के लिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, ग्रीस की परत चढ़ाई जाती है, या पेंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है,